आज से रेलवे की ओर से 15 ट्रेनों का संचालन कैंसिल रहेगा। इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में जिन ट्रेनों का संचालन रेलवे ने कैंसिल किया है। साथ ही बात करेंगे अन्य ट्रेनों के बारे में जिन ट्रेनों का संचालन डायवर्टेड रूट से रेलवे करा रही है। पूर्व रेलवे मालदा मंडल के बढ़ावा भागलपुर सेक्शन पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर यार्ड मॉडलिंग को लेकर आज से लेकर 29 सितंबर तक प्री NI वर्क किया जाना है और इसके लिए जिन ट्रेनों का संचालन कैंसिल किया गया है उसके बारे में आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आज से लेकर 29 सितंबर तक 15 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन वो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कैंसिल रहेगा। इनमें से लंबी दूरी की ट्रेन भी होगी जिन ट्रेनों का संचालन डायवर्जन के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी करने का आदेश जारी किया गया है। हम बात कर रहे हैं दानापुर से साहिबगंज के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इसके अलावा साहिबगंज मालदा पैसेंजर ट्रेन को भी शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इन ट्रेनों का बदलेगा रूट, जिनमें कि दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन इसके अलावा 23 से लेकर 26 सितंबर तक जमालपुर मुंगेर और कटिहार के रास्ते चलेगी। हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन भी 23 से लेकर 27 सितंबर तक आसनसोल झाझा क्यूल के रास्ते चलाई जाएगी। दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को पीरपैंती रेलवे स्टेशन से आगामी 24 सितंबर से 27 सितंबर तक शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। साहिबगंज मालदा इंटरसिटी को भी सकड़ी गली रेलवे स्टेशन के पास से ही आगामी 24 से लेकर 27 सितंबर तक शॉर्ट टर्मिनेट किया जाना है। इसके अलावा जिन ट्रेनों का संचालन कैंसिल किया गया उनमें से साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन, जमालपुर क्यूल पैसेंजर ट्रेन, साहिबगंज भागलपुर पैसेंजर ट्रेन और साहिबगंज रामपुर हाट पैसेंजर ट्रेन को शामिल किया गया। इसके अलावा रामपुर हाट साहिबगंज और साहिबगंज आजिमगंज पैसेंजर ट्रेन भी कैंसिल रहेगी 27 सितंबर तक। तो ये था उन सभी ट्रेनों के लिस्ट के बारे में जिनका संचालन आज से लेकर 27 सितंबर तक प्रभावित रहेगा और 29 सितंबर तक कई ट्रेनों के संचालन कैंसिल रहेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के माध्यम से कई और जानकारी लाने वाले हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को शेयर करें नई ट्रेनों के अपडेट के लिए।